भट्टों और सनतों की बंदिश के बावजूद शहर पर स्मॉग का खतरा मंडलाने लगा। फजाई आलूदगी और जहरीली गैसों का मजमुआ स्मॉग ने सुस्त रवि से पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। महकमा माहौलियात ने 244 फैक्ट्रीज, कारखाने और सनती यूनिट सील कर दिए। 175 ईंटों के भट्टों को भी नोटिस जारी किए गए। सांस और दमे के मरीज चेहरे ढांप कर निकले। माहिरीन ने आवाम को फ्लू की वैक्सीन लगाने और आंखों पर चश्मा लगाने की हिदायत जारी कर दी। रवा माह के आखिर तक स्मॉग तेजी से बढ़ने के इम्कान। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ से नैब ऑफिस में उनकी फैमिली की मुलाकात। मुलाकात करने वालों में हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, बेगम नुसरत शहबाज और शरीफ फैमिली के दीगर अफराद शामिल हैं। जबकि जाती उम्र में नवाज शरीफ से उनके वकील ख्वाजा हारिस की मुलाकात। शरीफ फैमिली से मुतालिक केसेस पर मुशावरा। शहबाज शरीफ के मजीद रिमांड लेने की मुखालफत करेंगे। वकील नसीर भुट्टा की जाती उम्र में मीडिया से गुफ्तगू। ऑपोजिशन खवातीन को नशिस्तें अलॉट करने का मामला। खवातीन अरकान ने स्पीकर पंजाब असेंबली की तरफ से अलॉट नशिस्तें मुस्तरद कर दी। खवातीन अराकीन असेंबली को बिल्कुल आखिरी नशिस्तें अलॉट की गई हैं। ऑपोजिशन खवातीन का एहतजाजन अलॉट की गई नशिस्तों पर ना बैठने का फैसला। जनूबी पंजाब सूबा बनाने की उम्मीद। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं सूबे बनाने का ख्वाब तहरीक इंसाफ के दौर में ही पूरा होगा। तब्दीली के सम्राट से सबसे पहले जनूबी पंजाब के अवाम मुस्तफीद होंगे। नए पाकिस्तान की तामीर की जिद्दोजहद में जनूबी पंजाब बहुत अहम है। वज़ीर-ए-आला से वफाकी वजीर मखदूम खुसरो बख्तियार और सूबाई वजीर खजाना हाशिम जमा बख्त की मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोखर भी मिले। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन से जहांगीर तरीन की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जहांगीर तरीन की स्पीकर बनने पर मुबारकबाद। जहांगीर तरीन से सूबाई वजीर जहां जेब खिची, मुशीर अमीर मोहम्मद खान, पीर रफाकत गेलानी, हनीफ खान पताफी ने भी मुलाकातें की। शहबाज शरीफ ने मेडिकल मोबाइल यूनिट के लिए कौमी खजाने से 5 करोड़ लिए। शहबाज शरीफ की बनाई हुई मोबाइल मेडिकल यूनिट चल न सकी। हमने 70 लाख में मेडिकल मोबाइल यूनिट बना डाला। अवामी तहरीक के सरबरा डॉक्टर ताहिरुल कादरी का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि मौजूदा हुकूमत सेहत के बजट को गरीब पर लगाए। इमरान खान ने वादे के बावजूद थैले नहीं खुलने दिए। थैले खुल जाते तो धांधली बाहर आ जाती। 14 अक्टूबर को आवाम ने थैले खोल दिए। लीगी एमएनए ख्वाजा साद रफीक का बेदियां रोड पर जलसे से खिताब। कहा जब भी हुकूमत बदलती है हमारी शामत आती है। तब्दीली का नारा लगाने वाले काम ठीक नहीं कर रहे। सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की हफ्तावार बैठक। शहरियों से मुलाकातें। अब्दुल अलीम खान का मुख्तलिफ इलाकों में अपनी तरफ से डिस्पेंसरियों के कायम का ऐलान। कहते हैं बल्दियाती इदारों के बेवसाइल होने से मसाइल में इजाफा हुआ। यूनियन काउंसिल्स में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे। लीगी एमएनए शेख रुहेल असगर का एनए 128 का दौरा। वाइस चेयरमैन मियां रिजवान के डेरे पर कॉर्नर मीटिंग में शिरकत। पीटीआई हुकूमत पर कड़ी तनकीद के नश्तर चला दिए। कहा नया पाकिस्तान लोगों को रास नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ कौमी असेंबली इजलास में अपना रोना रोते रहे। साबिक हुकूमत ने सेहत के नाम पर जाली काट दिए। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यासमिन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद बोले वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क का मौसी चैलेंज कबूल किया। आवाम के लिए थोड़ा सा मुश्किल वक्त है। अरबों रुपए के कर्जे उतारेंगे। ज़िमनी इलेक्शन तो नहीं जीत सके लेकिन एनए 131 में तहरीक इंसाफ पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। पोश इलाकों में टर्नआउट 17% निकला। हल्के में तरक्याती काम जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमायूं अख्तर खान का खिताब। मुल्क गीर सफाई मुहिम। कुछ इलाके अभी भी साफ माहौल से महरूम।
गुलशन रावी गालिब कॉलोनी एफ ब्लॉक में सीवरेज का नाकिस निजाम। लाहौर न्यूज की खबर पर काम शुरू तो हो गया मगर ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर फरार, अहले इलाका का एहतजाज। पर्ची टैक्स नामंजूर, अवामी रिक्शा यूनियन का प्रेस क्लब के बाहर ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, रिक्शा ड्राइवर ने सड़कों पर रिक्शे खड़े कर दिए, आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। लीज पर दिए गए 22 पेट्रोल पंप सरबमोहर करने का मामला, 1000 से जायद मुलाजमीन का मुस्तकबिल दांव पर लग गया, बेरोजगार होने पर मुलाजमीन सराफा एहतजाज, एलडीए ने बगैर नोटिस पेट्रोल पंप सील किए, मुलाजमीन के घरों में फाकों की नौबत आ जाएगी, मुलाजमीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इकबाल टाउन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के फ्लैट में लगा इकलौता फिल्ट्रेशन प्लांट 1.5 साल से बंद, अहलियान इलाका पीने के साफ पानी से महरूम, मकीनों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहर में सफाई का मयार बरकरार रखेगी, किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एमडी एलडब्ल्यूएमसी फरुख कयूम बट का तमाम ऑपरेशन अफसरान के साथ हंगामी इजलास, तमाम ऑपरेशन स्टाफ को ज्यादातर वक्त फील्ड में गुजार कर शहरियों की शिकायत दूर करने की हिदायत। शहरी फिर से हो जाए तैयार, मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट पहनना लाजमी करार, 1 नवंबर से अदालती अहकाम पर अमल दरामद, मॉल रोड से होगा आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया। शहरी कहते हैं डबल हेलमेट से परेशानी तो होगी लेकिन फिर आदत हो जाएगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद यावर अली के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस आज होगा। चीफ जस्टिस मोहम्मद यावर अली मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के बाद रिटायर हो जाएंगे। नेशनल वेमेन फुटबॉल चैंपियनशिप, वापडा और रॉयल ईगल्स के मैच के बाद झगड़ा, खिलाड़ियों रेफरी में तल्ख जुमलों का तबादला, सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात के बायस तमाशाई ग्राउंड में दाखिल, रेफरी की दुर्गत बना दी। कौमी हॉकी टीम के कोच और मैनेजर में तनाजा शिद्दत इख्तियार कर गया, मैनेजर हसन सरदार ने मोहम्मद सकलैन को कोचिंग के फराइज अदा करने से रोक दिया, मोहम्मद सकलैन आज सदर पीएचएफ से मुलाकात करेंगे। और मौसमी तब्दीली के साथ पहनावे भी तब्दील, खवातीन ने नए मलबूसात की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया, डिजाइनर्स भी फैशन की दौड़ में पीछे न रहे।